press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल में अलवर में बढ़ते अपराधों को लेकर खासा हंगामा रहा। भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा इसे लेकर मुखर नजर आए। अलवर जिले के अन्य भाजपा विधायकों ने भी उनका समर्थन किया। विधानसभा में आज अलवर जिले के रामगढ़ से एमएलए ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि अलवर में वाहन चोरी सहित 11 तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और एसपी ने चालाकी से वाहन चोरी के मामले कम दर्ज किए हैं। आहूजा का यह भी आरोप था कि अलवर में हर साल 10,000 करोड़ का सट्टा लगता है। किशनगढ़ बास विधायक रामहित यादव ने भी आहूजा का समर्थन किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने टोका तो आहूजा का कहना था कि सच्चाई सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। इस पर गृह मंत्री कटारिया ने कहा कि जोर से बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आहूजा का जवाब था मेरी आवाज ही ऐसी है, मुंह में साइलेंसर नहीं लगा सकता। उधर विधायक रामहित यादव ने पूरक प्रश्न के तहत गोवंश तस्करी के मुकदमों की संख्या पूछी। इसके अलावा ट्रांसफार्मर चोरी और वाहन चोरी के मामलों में एफआर लगाने का कारण भी जानना चाहा। वहीं कटारिया का कहना था कि अलवर में हर माह औसतन 400 से 500 वाहन चोरी के मामले आ रहे हैं, साथ ही गो तस्करी के मामलों को नियंत्रित किया गया है। उधर गुलाबचंद कटारिया ने दावा किया है कि प्रदेश में गो तस्करी पर नियंत्रण के लिए पुख्ता व्यवस्था के चलते इसमें सफलता प्राप्त हुई। इससे पहले विधायक बनवारीलाल सिंगल के मूल प्रश्न के जवाब में गृह मंत्री ने बताया कि अलवर जिले में कानून व्यवस्था के लिए 2 पुलिस अधीक्षक लगाए जाने के संबंध में रामगढ़ एमएलए ज्ञानदेव आहूजा द्वारा वर्ष 2015 और 16 में पुलिस विभाग को पत्र लिखकर मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि अलवर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल काफी बड़ा है, जिला स्तर पर अपराध पंजीयन भी राज्य में अलवर में सर्वाधिक है और वर्ष 2017 में 17,405 प्रकरण दर्ज हुए। इस दृष्टि से अलवर जिले में 2 पुलिस अधीक्षक लगाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।